कॉपरेटिंग इवेंट 1887 में एच हस सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि जब कोई लाइट बीम या किसी एनर्जिक बीम या कोई रेडिएशन मेटल के सरफेस पे बॉम्बार्ड होती है तो मेटल का सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने लगता है विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स व्हेन ए रेडिएशन और बीम बॉम्बार्ड ऑन बीम ऑफ लाइट बॉम्बार्ड ऑन सरफेस ऑफ मेटल लाइक सीजियम रुबिडियम पोटेशियम फैंसियम भी लिक्विड स्टेट में होती है लेकिन अगर वो सोलर स्टेट में हम यूज करते हैं तो फैंसियम भी यहाँ पे आ जाएगा सीजियम रुबिडियम एंड पोटेशियम यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की जो कि एल्कली मेटल्स हैं सभी नहीं करती हैं क्योंकि सभी का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है तो सीजियम रुबिडियम और पोटेशियम हम जनरली यहाँ पे यूज कर सकते हैं सरफेस ऑफ मेटल देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाई मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक मीन्स दूसरे बार उस टाइप से बता सकता हूं द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल by bombarding radiation is called photoelectric effect और इसके बाद एक्सपेरिमेंट किए आइंस्टीन ने 1905 में और आइंस्टीन ने बेसिक चीज यही ली कि प्लैंक की जो थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी थी कि लाइट जो आ रही है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है उसी को ऑब्जर्व किया और उसी को प्रूव भी किया कि हाँ ऐसा होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या है वेव थ्योरी की लिमिटेशन है वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं तो अकॉर्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोज करो कि एक मेटल है मेटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और यहाँ से एक रेडिएशन आई और इस इलेक्ट्रॉन पे लगी इलेक्ट्रॉन ने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सरफेस पे आ गया तो यहाँ से यहाँ आने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए थी अदरवाइज तो पहले ही आ जाता यहाँ से यहाँ आने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए थी उस एनर्जी को हमने नाम दिया वर्क फंक्शन यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी डब्ल्यू नोट से इसको नोट करेंगे मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहां से इसके सरफेस पे आ गया इज कॉल्ड वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन ने इससे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया अब उस रेडिएशन की एक रेडिएशन है इस रेडिएशन की एनर्जी कितनी रही होगी क्यों इजेक्ट हुआ है वर्क फंक्शन से इक्वल रही होगी क्योंकि इसकी एनर्जी को पैकेट्स की फॉर्म में इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया क्योंकि पैकेट के कोई ब्रेक नहीं कर सकता सपोज करो कि वर्क फंक्शन सपोज कर लेना कि वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए वर्क फंक्शन कितना चाहिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से जो फोटोन की एनर्जी आई है रेडिएशन की जो एनर्जी है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये बाहर नहीं आ सकता कि वर्क फंक्शन मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी चाहिए इसको सरफेस पे आने के लिए उस कंडीशन में 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा अगर ये इस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो अपने ही लेवल्स के अंदर रहेगा कहीं ना कहीं एटम के अंदर लेकिन एटम से बाहर आना यानी सरफेस पे आना उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस यहां से वर्क फंक्शन पूरा करके अपना और यहां पे आ जाएगा इजेक्ट हो जाएगा इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैं कहूं कि नहीं हमने यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी या फोटोन की एनर्जी थी वो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी यानी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा थी तो उस कंडीशन में उस फोटोन को भी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अपने वर्क फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये मूवमेंट में आ जाएगा मूवमेंट में आने के बाद इसके पास कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी
कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसकी जो आएगी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने अपने फंक्शन वर्क फंक्शन में लगा दिया और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। लेकिन एच हर्ट्ज ने क्या बताया शुरुआत में कि इस टाइप से यहां पे एक एमिटर लगा दिया, यहां पे बैटरी के पोल बना लिए, ये बैटरी थी, एक ट्यूब यूज की, ग्लास ट्यूब है, यहां पे एक ऐसी मेटल यूज कर ली जो फोटोइलेक्ट्रिक मेटल थी, और इस ये प्लस को यहां से और इस माइनस को इसने यहां से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसने देखा कि एमिटर जो था उसमें कोई रीडिंग नहीं आई, क्योंकि इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं था, और कनेक्शन नहीं था तो कोई रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगी, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे इस पे एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन बॉम्बार्ड की गई, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक मेटल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए वो यहां से आके यहां पे टकरा गए, सर्किट पूरा हो गया और एमिटर के अंदर रीडिंग आ गई। यानी सबसे पहले एच हर्ट्ज ने इस टाइप से शो किया कि किसी मेटल पे, सभी मेटल्स में ऐसा नहीं होता, जनरली जो मेटल्स यूज की उन मेटल का अगर एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और इस टाइप एक कनेक्शन लेते हैं, दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है और हायर वोल्टेज से उसको ऐड कर देते हैं, तो फिर अगर हम उसके ऊपर रेडिएशन बॉम्बार्ड करते हैं मेटल के, तो मेटल इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करने लगती है और इलेक्ट्रॉन एक टाइप से कैथोड रेज टाइप से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन सीधे चलेंगे क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर चुके, रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, इनके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट सरफेस पे आने के बाद मोमेंट में भी आई, इसका मतलब रेडिएशन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से भी ज्यादा थी, सीधे चले, सर्किट पूरा हुआ, एमिटर ने अपनी रीडिंग दी। तो सर्किट पूरा होने भी एच हर्ट्ज ने मतलब ये एक्सप्रेस किया कि ऐसा होता है कि मेटल है वो अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। अब रही दूसरी बात कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या था, दो चीजें थी, इसको मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना इसको, कि अगर रेडिएशन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम है तो इजेक्शन नहीं होगा, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर रेडिएशन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इजेक्शन हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मींस इजेक्शन इज आल्सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर रेडिएशन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से भी ज्यादा है तो इजेक्शन के साथ साथ, मींस वो बाहर भी निकलेगा, सरफेस पे भी आएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इस काइनेटिक एनर्जी से वो मूवमेंट में भी रहेगा। ये चीज एक्सप्लेन की आइंस्टीन ने इन 1905। आइंस्टीन ने चीजें एक्सप्लेन की, मीन्स क्या क्या हो गया, वर्क फंक्शन जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं डब्ल्यू नोट से, व्हाट इज दिस, इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। रेडिएशन की जो एनर्जी होगी, मैंने यहाँ पे बताया एग्जांपल लेके कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज करो इसका वर्क फंक्शन है, तो रेडिएशन की एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस एनर्जी को हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू एक्सप्रेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, इज दिस आल्सो इक्वल टू वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन which can express photoelectric effect is called
थ्रेशोल्ड एनर्जी, denoted by E naught, कैसे नोट करेंगे इसको, E naught से, is equal to, it is equal to work function of matter, ये किसके इक्वल होगी, मेटल के वर्क फंक्शन से, और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड जो लैम्डा होगा उसको हम लैम्डा नोट से, और थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके हम न्यू नोट से नोट करेंगे। मीन्स अभी लिख रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, दोबारा बनाऊंगा, लैम्डा नोट एंड न्यू नोट आर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी which related with E naught or W naught, यानी E naught से related है और W naught से भी है, means E naught is equal to, E naught is threshold energy which is equal to W naught which is also equal to H Planck constant है, and nu naught, nu naught threshold frequency हो गई, यानी threshold threshold सभी चीजें equal होगी, which is equal to H C by lambda naught, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, स्पीड ऑफ लाइट है, एस प्लैंक कांस्टेंट है, इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन बाय आइंस्टीन इन 1905 एंड डिपेंड्स ऑन द क्वांटम थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड है कि पार्टिकल की जो एनर्जी है या रेडिएशन की जो एनर्जी आ रही है क्वांटम फोटोन के इक्वल होगी, और रेडिएशन की एनर्जी मैंने ये बता दिया कि किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और इजेक्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और इजेक्ट होगा, और फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो उसका केवल इजेक्शन होगा, उससे ज्यादा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मींस कंक्लूजन क्या आ गया, वन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब वन फोटोन एंड इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू या एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रही है उसको हम फोटोन नाम दे रहे हैं यहां पे, और उसमें फोटोन आ रहे होंगे, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन then only ejection of electron takes केवल electron का ejection होगा, and if energy of radiation of photon is greater than work function, then ejection as well as traveling of electron take place means electron contain electron is photoelectron contain kinetic energy also, photoelectron के पास kinetic energy भी होगी। अब रही बात ये कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग सपोज द एनर्जी of radiation photon की form में होगी is greater than threshold energy, अगर ये condition है तो क्या हो जाएगा भाई, कि energy of radiation को मैं E से नोट कर रहा हूँ, threshold energy आपके पास E naught है जो कि work function के equal भी है,
then E, which is equal to E naught plus kinetic energy, यानी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई वो उसके वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होगी, या वर्क फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसके इक्वल होगी। एक तो वर्क फंक्शन में होगी, दो पार्ट में टूट गई हो और एक पार्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी, मीन्स अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इजेक्शन पॉसिबल है, मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो वेव फंक्शन है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन उसको दे दिया, तो फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अपने वर्क फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी है वो उसके वर्क फंक्शन में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, और वर्क फंक्शन किसके इक्वल है, ई नॉट के इक्वल है, और ई नॉट किसके इक्वल था, एच न्यू नॉट के, और न्यू नॉट किसके इक्वल था, एच सी बाई लैम्डा नॉट के। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ई किसके इक्वल है, फोटोन की एनर्जी के, और न्यू किसके इक्वल है, फोटोन की लैम्डा से स्टेप से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू विच इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट की जगह एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को मैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू एच कॉमन ले लिया आपने, न्यू माइनस न्यू नॉट। इससे हम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। What is that? Planck constant, kinetic energy ये है, Planck constant ये है, new क्या है? Frequency है radiation की, जो radiation हमने दी है उसकी frequency, और new node क्या है? Threshold frequency जो required थी वो है, या radiation की होनी चाहिए थी वो है, उससे कम frequency अगर है तो हम उसको eject नहीं कर सकते हैं। इनकी value भी put कर दी मैंने यहाँ पे, या अगर आपके पास kinetic energy और photo electron which is equal to h c by lambda minus c by lambda and kinetic energy which is equal to h c 1 by lambda minus 1 by lambda naught। ये आइंस्टीन की इक्वेशन है। जो प्रैक्टिकली सही है, इसलिए हम बता सकते हैं कि जो लाइट आ रही है या फिर रेज या रेडिएशन जो होती है वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसको कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक की क्वांटम थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रही है। अब ये ऑब्जर्वेशंस आइंस्टीन ने ली, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही कई चीजें हैं जिस पर डिपेंड करती है, उन चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। कि सपोज करो एक मेटलिक सरफेस है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन हम उसको दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे मींस रेडिएशन के पास कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि ई इक्वल टू एच नहीं होता है, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी अगर हम रेडिएशन की बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ा दी हमने तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्शन तो इसी का हो जाएगा, और बची हुई एनर्जी से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कब? जब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होती है, न्यू नॉट से पहले वाली फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है तो ही काइनेटिक एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे वर्क फंक्शन होगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे वर्क फंक्शन नहीं होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस टाइप से रिलेटेड है, इसी ग्राफ को मैं इस टाइप से बना सकता हूँ कि एक साइड में हम ले लें फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की और एक साइड में हम ले लें काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ इस टाइप का जाएगा, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट होगी। इन दोनों ग्राफ सेम है, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी ये देंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, ये देंगे तो जीरो रहेगी, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पे आते ही इजेक्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी अभी भी जीरो है, लेकिन अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमने ली तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चलेगी। इस काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके फ्रीक्वेंसी की, जो रेडिएशन हम दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी की, और न्यू इज डायरेक्टली कब, जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। फिर इसने ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन थे आइंस्टीन की, एक कंक्लूजन तो ये था जो मैं आपको बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी
ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. कब? व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट. जब न्यू न्यू नॉट से ज्यादा हो. या फिर दूसरी चीज बता सकता हूं कि लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट. इन कंडीशन में ऐसा होगा, यानी कि लैम्डा कम होना चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड से, ताकि एनर्जी ज्यादा हो, क्योंकि लैम्डा और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा, इसलिए हम ये लिख सकते हैं. उल्टा लिख दिया मैंने, यानी लैम्डा जो थ्रेशोल्ड लैम्डा था उससे कम लैम्डा होगा तो इजेक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, या फिर उससे फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो इजेक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी. दूसरा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन डिपेंड्स अपॉन ब्राइटनेस और इंटेंसिटी. ब्राइटनेस का सीधा रिलेशन मैंने आपको इंटेंसिटी से बता रखा है. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी. यानी फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो होता है वो ब्राइटनेस या इंटेंसिटी पे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी, इंटेंसिटी का मैंने आपको बताया कि उनसे कोई रिलेशन नहीं है, एम्पलीट्यूड से रिलेशन है उसका. तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही एक सरफेस यूनिट सरफेस एरिया से फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. सपोज करो कि एक यूनिट सरफेस एरिया है, ध्यान दे लेना यहाँ पे, यूनिट सरफेस एरिया है, इस पे एक रेडिएशन डाल रहे हैं. रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल है उसकी, मेटल की होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड लैम्डा से ज्यादा है, या वर्क फंक्शन से ज्यादा है. क्या चीज? फ्रीक्वेंसी. तो इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का और काइनेटिक एनर्जी भी. अगर फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी तो इजेक्शन तो उतने ही इलेक्ट्रॉन का होगा जितने का पहले बना था. पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे एक यूनिट सरफेस एरिया से जितने टाइम में, तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा. लेकिन उसी लाइट की फ्रीक्वेंसी हम वही रखते हैं और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी तो वही रखते हैं जिससे 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहां से 100 से ज्यादा निकलेंगे, 150 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इतनी इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से ज्यादा निकलने लगे लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंटेंसिटी उनसे रिलेटेड नहीं है. यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी. मींस इसके बीच में ग्राफ कैसे आ जाएगा सेकेंडरी केस में? केस में ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा. एक साइड में हमने लिया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और एक साइड में हमने लिया फ्रीक्वेंसी. रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी 100 थे तो 100 ही निकलेंगे लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. इससे पहले ग्राफ में बता दिया मैंने. ये चीज किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है. किस चीज पर डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी पे. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इजेक्शन था ये डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, या फिर यहां पे हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है वो एक पर्टिकुलर न्यू नोड पे होगा और न्यू नोड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो एक इंटेंसिटी पे सपोज करो फोटो इलेक्ट्रॉन इतने इजेक्ट हो रहे हैं. इंटेंसिटी फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी हमने वही रख रखी है, और दूसरी इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ये हो गया. इंटेंसिटी सेकेंड, तीसरी पे फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ये हो गया. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले. इंटेंसिटी थ्री, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, काइनेटिक एनर्जी नहीं है उनके पास अभी.
लेकिन हमने उसी फ्रीक्वेंसी को रखते हुए इंटेंसिटी पहले आई वन रखी, फिर इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी, फिर इंटेंसिटी हमने और बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आई वन पे कम होगा, आई टू पे उससे ज्यादा होगा, आई थ्री पे उससे भी ज्यादा हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ता चला जाता है। ये था फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी अगर वेव थ्योरी को हम लेके चलते तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनका इजेक्शन था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रेगुलर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो पैकेट की फिक्स फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हम केवल इंटेंसिटी को बढ़ा के नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ा सकते हैं। अब रही बात ये, दूसरी बात सुनना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है, जैसे उस पर रेडिएशन गिरी, रेडिएशन उसके ऊपर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस रेडिएशन के एक पैकेट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसके सरफेस पे आने के तक टाइम गैप जीरो, कोई टाइम नहीं लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसी को हमने नाम क्या दिया है? क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही रेडिएशन उसके ऊपर बॉम्बार्ड होगी, बॉम्बार्ड होने के बाद उसका सरफेस पे आने तक के बीच में कोई टाइम नहीं लगेगा, मीन्स रेडिएशन उससे बॉम्बार्ड होने में और उसके सरफेस पे आने में टाइम गैप जीरो है, विच इज कॉल्ड क्वांटम। यानी कि वहां से वो डिसअपियर होगा और सरफेस पे अपियर हो जाएगा, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा है तो क्या होगा कि टाइम गैप जीरो, वहां से वो क्या होगा, डिसअपियर, सरफेस पे अपियर होने के साथ साथ उसके पास ट्रेवलिंग भी करने लगेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो ये जो था ये वेव थ्योरी की लिमिटेशन थी, दोनों वेव थ्योरी की लिमिटेशन है उन्होंने बता दी है, और एक क्वांटम मैकेनिक्स थी या क्वांटम मॉडल था, किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मॉडल था प्लैंक का, उसको ये एक्सप्रेस कर रहा है कि इन दोनों फिनोमेनाज, दोनों ही फिनोमेनाज लाइट की है, दोनों फिनोमेनाज के अंदर ऐसा होता है। सपोज करो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरली जो मेटल्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। मेटल्स होती हैं फर्स्ट ग्रुप की होती हैं, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन डिपेंड करता है उनके एडजेसेंट पोटेंशियल पे, कि आपके पास एक तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। तो वर्क फंक्शन की अगर हम बात करें, डब्ल्यू नोट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बात करें तो यहां से यहां तक वर्क फंक्शन डिक्रीज होता है, यानी कि सीजियम इजीली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती है क्योंकि वर्क फंक्शन कम है उसका, और लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाती। यानी कि सीजियम को हम फोटो वोल्टेक सेल में यूज करते हैं इसके इस फंक्शन की वजह से। तो इनके वर्क फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि वर्क फंक्शन रेगुलर कम होता जा रहा है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर देगी। ये वाला है कि 1.9 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फ्रिक्वेंसी का कोई फोटोन वहां पे मिल रहा है, 1.9 की एनर्जी का कोई फोटोन वहां पे मिल रहा है तो केवल सीजियम इजेक्ट कर पाएगी। ये आईआईटी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, इनके अंदर वर्क फंक्शन नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया गया कि एक फोटोन है और उसकी एनर्जी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है, ये इजेक्ट करेगा और 0.4 दोनों का गैप कितना है, इजेक्ट तो कर ही जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इसमें, वर्क फंक्शन भी हो जाएगा, और दोनों का गैप है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग करेगा वो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से करेगा, इनमें भी इजेक्शन हो जाएगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवलिंग करेगा, इनमें भी हो जाएगा वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवलिंग भी करेगा, इसमें भी इजेक्शन हो जाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसके अंदर इजेक्शन नहीं हो पाएगा, इसके अंदर इजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। सपोज करो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल
is 200 nanometer. Threshold wavelength of metal is 200 nanometer. Calculate work function and kinetic energy of photoelectron if wavelength of radiation is 150 nanometer. सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको बताना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज दिस 200 नैनोमीटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और उससे कम वेवलेंथ की हम एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब कम वेवलेंथ है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब आपके वर्क फंक्शन भी होगा और वहां पे काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है तो ध्यान देना अभी वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा एच न्यू नॉट के और एच सी बाई लैम्डा नॉट के और लैम्डा नॉट आपको गिवन है लैम्डा नॉट कितना है 200 नैनोमीटर नैनोमीटर का मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर तो वर्क फंक्शन व्हिच इज इक्वल टू एच 6.62 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड इनटू सी 3 इनटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 200 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर तो मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा आंसर आपका जूल में आ जाएगा तो यहाँ पे अगर देखें 10 टू द पावर 9 और 10 यहाँ पे भी इसको काट दिया मैंने दो जीरो से इसको काट दिया तो यहाँ पे कितना हो गया दो जीरो थी दो जीरो से इसको काटा 10 टू द पावर 7 बचा 7 को ऊपर लेगा 10 टू द पावर माइनस के कितना हो गया 15 प्लस में हो जाएगा प्लस 8 है और तो प्लस 7 ऊपर चला जाएगा 15 हो जाएगा 15 में से 35 को 4 को घटाएंगे तो माइनस 9 दिया जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा केवल 2 यहाँ पे 3 2 से भी इसको 6.6 रखते हुए काट दिया मैंने 3.3 देन इट इज डब्ल्यू नो विच इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 9.9 इंटू काट दिया था इसको 10 टू द पावर माइनस 19 जूल 9.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल ये इसका वर्क फंक्शन होगा या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल तो इतने जूल को हमें वर्क फंक्शन में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देन वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया इतना जूल था 9.9 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये जूल था और जूल की जगह मैंने रख दिया इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं कि 1 जूल व्हिच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको यहाँ पे लिख दिया इसको मैं नीचे लिया नीचे 1.6 नीचे आ गया 10 टू द पावर 19 ऊपर चला गया प्लस 19 हो गया जूल की जगह मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19 डिवाइड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे कैंसिल हो जाएगा देन डब्ल्यू नो व्हिच इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 6 के अप्रोक्सीमेटली 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली ये ये जो था इसका वर्क फंक्शन इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी विच इज एच सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट ये भी बताया मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू एच एच कितना है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड सी है उसको भी कॉमन ले लिया मैंने एच इंटू सी बाहर ही निकाल लिया मैंने इसको एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 1/λ था 150 माइनस 1/λ नॉट है 200 देन नैनोमीटर में था ध्यान देने लगा इसमें नैनोमीटर में तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया नैनोमीटर में डायरेक्ट 10 पावर माइनस 9 मीटर कॉमन एरिया दोनों में से इसका मल्टीप्लाई 10 पावर 9 था इसका मल्टीप्लाई 10 पावर 9 था तो मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया 10 पावर 9 और 10 पावर माइनस प्लस 8 कितना हो गया 17 17 से कैंसिल हो गया 10 पावर 17 आ गया अंदर का और सॉल्व कर लेंगे काइंड
उसके बाद इसको सोल्व करके और इसका आंसर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में कंसिडरेशन करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है और क्या नहीं। ये था क्वांटम मैकेनिक्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब जरूर कर लें, रेगुलर बने रहें। ये लेक्चर 4th लेके आया था मैं, थैंक यू। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कल लेक्चर 5th।